कुंभ राशि, सिर्फ आपकी एक भूल आपको ले डूबेगी, चाहे कुछ भी हो यह गलती मत करना। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही सरल सा होने वाला है। 1 मार्च के दिन आपका सामान्य राशिफल कैसा रहेगा, कौन से बातों का ध्यान रखना है, धन राशिफल, लव राशिफल, करियर राशिफल और आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा, विस्तार से आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखिए और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आपका सामान्य सा राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आप अपनी जीवन शैली को और अधिक उन्नत करने के लिए प्रयासरत रहेंगे तथा अपने काम को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों में भी रुचि लेंगे। इस समय आर्थिक स्थिति भी बेहतर बनेगी, कुल मिलाकर समय लाभकारी रहेगा। दोस्तों के साथ तथा बाहरी गतिविधियों में अधिकतर समय व्यतीत होगा। आप अपनी दिनचर्या में भी कुछ परिवर्तन लाएंगे। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता संबंधित कार्यों में आशातीत सफलता मिल सकती है अगर वह पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। दिन की शुरुआत में काम के अधिकता के कारण बहुत अधिक मेहनत रहेगी, परंतु दोपहर बाद आपकी इस मेहनत के अनुकूल परिणाम भी मिलने शुरू हो जाएंगे, इसलिए मन प्रसन्न बना रहेगा। सामान्य राशिफल की बात करें तो इस दिन आपका पारिवारिक जीवन कष्टमय से गुजर सकता है। घरेलू कलह के कारण परिवार का माहौल तनावग्रस्त रह सकता है। ऐसी स्थिति में आपको इस कलह को दूर करने के लिए आगे आना होगा, धैर्यपूर्वक परिस्थिति को संभलने का प्रयास करना होगा। अचानक किसी भी काम के सिलसिले से घर से दूर जाना पड़ सकता है, इस दौरान घर वालों की याद भी आपको आ सकती है। किसी खास दोस्त से किसी गलतफहमी के कारण मन खराब हो सकता है, इसका प्रभाव आपके घर पर भी पड़ेगा। परिवार के लोगों से अपनी परेशानियां साझा करके आप हल्का महसूस करते हैं, लेकिन कई बार आप अपने अहम को आगे रखकर घर वालों को जरूरी बातें नहीं बताते। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा करके परेशानी और भी बढ़ेगी, कम बिल्कुल भी नहीं होगी। सैर सपाटे पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है जो आपकी ऊर्जा और उत्साह को तरोताजा कर देगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कौन से बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में। ध्यान रखें कि घर की व्यस्तता की वजह से आपके महत्वपूर्ण काम छूट सकते हैं, इसलिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखना अति आवश्यक है। कभी कभी गुस्सा या फिर कठोर शब्द का प्रयोग आपके लिए ही परेशानी का कारण बनेगा। अपने मन को संयमित करके रखना अति आवश्यक है। कभी कभी ईगो व घमंड आपको अपने लक्ष्य से भड़का सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों की राय भी आवश्यक ध्यान दीजिएगा। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा दिन है। आपकी खुश मिजाज ही आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगी। दोस्तों दिन की शुरुआत भले ही अच्छी हो, लेकिन शाम के वक्त थोड़ा सा धन खर्च हो सकता है, जिससे कि आप परेशान हो सकते हैं। दोस्तों धन खर्च होना साजिक है, लेकिन जो खर्च आप कर रहे हैं उसको बहुत ही संभल कर करेगा। क्या यह खर्च वाकई जरूरी है? खर्च ना करने से कुछ चीज़ें रोक सकती है, तभी आप खर्च करेगा। दोस्तों आप बात करते हैं, सिर्फ आपकी एक भूल आपको ले डूबेगी, ऐसा हमने क्यों कहा, विस्तार से जानेंगे। आज के दिन आपको बहुत ही संभल कर रहने की जरूरत है। पैसों के मामले में आपकी एक चूक आपको लेकर डूब सकती है। पैसों के मामले में अगर कोई निर्णय लेना हो तो आप एक बार या फिर दो बार नहीं बल्कि 10 बार सोचिएगा, क्योंकि इसी एक चूक की वजह से आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है, पूरी लाइफ बिगड़ भी सकती है और आपकी आर्थिक परिस्थिति भी बिगड़ सकती है। पैसों के मामले में कभी भी आप हवा में बात मत करेगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आपका धन राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई परेशानी आपको बार बार सता रही है, उसका अगर हल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉल करें अथवा व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारे तरफ से रिप्लाई झट से मिल जाएगा और आपके सभी प्रॉब्लम परेशानियों का समाधान भी किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं आपका धनराशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। नौकरी पेशा जातकों पर कार्यभार अधिक रहेगा। अगर आप योजना के अनुसार अपने सभी कार्य पूरे करने का प्रयास करेंगे
तो आप आसानी से समय पर अपने काम खत्म करने में सफल रहेंगे। व्यापार से जुड़े जातकों को कानूनी मामलों में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा कोई कारोबार करने वाले लोगों को अच्छा आर्थिक फायदा हो सकता है। कामकाज की बात करें तो अगर आप टारगेट बेस्ड काम करते हैं तो आप आसानी से अपना लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। खुदरा व्यापारियों को अच्छा फायदा हो सकता है। उच्च अधिकारियों तथा सम्मानित लोगों से संपर्क बनाकर रखना आपके व्यवसाय के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। करियर राशिफल की बात करें तो आज का दिन सट्टा उद्यमों के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। आज एक लॉटरी टिकट या फिर कंपनियों के शेयर में निवेश करने से धन वृद्धि का एक अच्छा मौका है, लेकिन आपको एक सुझाव दिया जाता है, सट्टा या फिर लॉटरी यह एक जुआ है। यहाँ पर आपका पैसा डूब भी सकता है और पैसा कभी कभार मिल भी सकता है, लेकिन आप शेयर बाजार में सोच समझ कर निवेश करेंगे तो यह लंबे समय में आपको अच्छा खासा फायदा जरूर दे सकता है। दोस्तों, अगर आप समय रहते किसी चीज़ को सही से पकड़ लेते हैं तो उसी का बाद में आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिल सकता है। लव राशिफल की बात करें तो प्यार में मिला धोखा आपको तन्हाई या फिर अकेलेपन की तरफ ले जाएगा। आपके दोस्त और परिवार इस स्थिति से बाहर आने में आपकी मदद करेंगे। अगर आप रिश्ते में हैं तो अपनी स्वीट हार्ट को लुभाने के लिए यह अच्छा समय नहीं मिलेगा। दादा, नाना या अन्य बुजुर्गों के स्वास्थ्य के कारण अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। खुद को खुश रखने की भरपूर कोशिश करें, क्योंकि व्यस्तता के कारण आपका उत्साह कम हो सकता है। खुद और अपने पार्टनर के लिए दिन को खुशनुमा बनाएं, इससे आपका रोमांटिक रिश्ता और भी अनोखा बनेगा। किसी के प्रति आकर्षित हैं तो अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए यह समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आप पिछले कुछ दिनों में से बहुत मेहनत कर रहे हैं और इससे आपके दैनिक कार्यक्रम को बिगाड़ दिया है। आपको नियमित आधार पर किसी भी शारीरिक गतिविधियों के लिए कुछ समय निकालना होगा, भले ही वह केवल 30 मिनट के लिए ही ना हो। यह मुश्किल नहीं होगा, आपको सिर्फ दृढ़ संकल्प आवश्यक है। नियमित रूप से व्यायाम करने के लिए खुद को प्रोत्साहित करें, क्योंकि लगातार विराम और लंबे अंतराल लेने से आपके शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है। बदन दर्द के कारण आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपका जो कि कुंभ राशिफल रहने वाला है। वीडियो में बताई गई जानकारी जो कि ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गए हैं। हमारा उद्देश्य महत सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना ही तो लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं, इनका उपयोग भी करते हैं तो इससे पहले अपने नज़दीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करेगा। आप चाहे तो ट्रेनिंग राशिफल से भी संपर्क कर सकते हैं। कुंडली और इसमें मामूली सा बदलाव हो सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल पर इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगी, जिससे आप आने वाले दिनों के बारे में पहले से अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।